हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम केंद्रीय विद्यालय 2023 एकेडमी अपना एग्ज़ाम निकालने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारी व्याकरण की तीसरी क्लास होगी। इससे पहले मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम और कारक, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा चुकी हूँ। वैसे आप सभी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप सभी को ये टॉपिक आते भी होंगे, उसके बावजूद हम इनको रिविज़न करेंगे, क्योंकि कभी कभी इजी क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं। और वैसे भी सिलेबस को एक बार हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ, ये TGT एंड PGT दोनों के सिलेबस में ही कॉमन दिए हुए हैं, तो आप इनकी तैयारी कीजिए। दूसरा, ये कॉमन जो हिंदी आती है हमारी एग्ज़ाम्स में, उसके लिए भी ये टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और ये मैं आपको NCERT केंद्रीय विद्यालयों में लगती है, वहाँ से मैं आपको ये मटीरियल उपलब्ध करवा रही हूं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। जैसे यहां पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, कुछ अध्यापक पढ़ाना ही नहीं चाहते, मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है, खीर बनाने के लिए 5 लीटर दूध चाहिए, मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे इन शब्दों को रेड किया हुआ है, और ये किसी न किसी चीज़ की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। और ये जो विशेषता है, संज्ञा से पहले लगकर बता रहे हैं। जैसे कमीज यहाँ पर एक संज्ञा है, उससे पहले उसकी विशेषता क्या है, काली है। ऐसे ही भाई एक संज्ञा है, उससे पहले क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि वो छोटा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण के आधार पर बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आने चाहिए। विशेषण तो समझ ही गए होंगे, जो विशेषता है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात मैं कह सकती हूँ यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम। सीधी सी बात यह है, जैसे मैंने बोला सुनीता बहुत सुंदर लड़की है, तो बहुत सुंदर लड़की है, लड़की क्या है यहाँ पर, अपने आप में एक विशेष्य है। और विशेषण क्या है, बहुत सुंदर, तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने बोला पर्स नीला है, तो पर्स नीला है यहाँ पर, पर्स क्या है, संज्ञा है, और नीला क्या है, उसकी विशेषता है। लेकिन विशेषण में क्या होता है कि विशेषता पहले लगती है और संज्ञा बाद में आती है। जैसे यहाँ पे मदन काली कमीज पहनकर स्कूल आया, ये क्या है, काली यहाँ पर विशेषण है और कमीज क्या है यहाँ पर, विशेष है। बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि विशेष क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो आपको क्लियर करना चाहिए। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं, ठीक है। बेचारा वह कर भी क्या सकता था, किस्मत के मारे इधर उधर भटकता रहा। सर्वनाम, ये सर्वनाम है शब्द, कुछ सर्वनामों के आगे भी क्या लगती हैं, विशेषताएं लगती हैं। अब बात आती है विशेषण के भेद की। विशेषण के बेसिकली 4 भेद होते हैं व्याकरणिक दृष्टि से, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, एक बार बेसिक इनका आप समझ लीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से समझ में आएगा। तो गुणवाचक में, जैसा कि नाम में ही निहित है, किसी के गुण दोष के बारे में बताना है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, केवल यह नहीं है कि उसकी केवल योग्यता ही बताएगा, उसकी बुराई नहीं बताएगा, दोनों चीज़ें ही उसमें शामिल होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों की विशेषता का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं, गुणवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ गुणों से क्या तात्पर्य है, व्यक्ति या वस्तु के रूप के बारे में, रंग के बारे में, आकार के बारे में, उसका स्वभाव कैसा है, अवस्था कैसी है, दशा, स्थितिशील, ये सभी गुणों के बारे में वो वर्णन करता है, तो वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पर गुणों के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं कि व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है या बेईमान है, यह चीज़ उचित है या सही है, परिश्रमी है, बुद्धिमान है, पवित्र है, आलसी है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आकार में, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, गोल, चौरस, आयताकार, सभी चीज़ें बताई जाएंगी। दशावस्था में क्या बताया जाता है कि वह व्यक्ति धनवान है, स्वस्थ है, कमजोर है, दुर्बल है, दरिद्र है, रोगी है, पतला है या गाढ़ा है, ये सारी चीज़ें अवस्था में बताई जाएंगी। स्थान या देश काल में उसके शहर या उसके बारे में बताया जाएगा, देश काल के बारे में। स्वाद या गंध में तो समझ गई, खट्टा होगा, मीठा होगा, फीका होगा, तीखा होगा, बदबूदार होगा, सुगंधित होगा, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं।
तो आइए अब परिमाणवाचक को देख लेते हैं। परिमाणवाचक में कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं उनको क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के लिए जैसे 4 लीटर दूध, 5 किलो आटा, बहुत रुपया, थोड़ी चीनी, तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पर, वहाँ पर होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञाओं की विशेषता बताते हुए प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी कहलाती है। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए परिमाण न देकर क्या दे सकता है? द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब इसके भी विद्यार्थियों दो भेद हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में आप नाम से ही समझ जाइए, जहाँ पर कोई चीज़ फिक्स होगी, निश्चित होगी। विशेषण की मात्रा या परिमाण का जहाँ ठीक ठाक या निश्चित बोध कराया जाए वो निश्चित परिमाण, जैसे 10 क्विंटल गेहूँ, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा, बाजार से 3 किलो घी, 1 किलो चाय और 3 लीटर सरसों का तेल लेते आइएगा। ये सारे क्या है? फिक्स चीज़ें हैं कि इतनी ही मात्रा में ये चीज़ें लेकर आनी हैं। लेकिन अनिश्चित में क्या है? अनिश्चित में बोलते हैं हम, जैसे चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लेना, अब कितना बचा लेना फिक्स नहीं है। अब थोड़ा किसी के लिए थोड़ा बिल्कुल 1 कप हो सकता है, किसी के लिए आधा कप हो सकता है, कोई बिल्कुल जरा सा ही बचाएगा। कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, हम यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो कुछ लोग में कौन आते हैं, यानी अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी। मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकता, ज़्यादा मिठाई नहीं खा सकता, अब उसके लिए ज़्यादा कौन है? कोई 1 रसगुल्ले 2 रसगुल्ले खा के भी कहेगा मैं ज़्यादा नहीं खा सकता, लेकिन किसी के लिए वो 2 रसगुल्ले भी ज़्यादा हैं, है ना। तो वो उसका एक इंसान के ऊपर पर्टिकुलर डिपेंड है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा मान रहा है, किस चीज़ को कम मान रहा है, यानी वहाँ पर कोई फिक्स चीज़ नहीं बनी हुई। तो वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है विद्यार्थियों, समझ ही गए होंगे। संख्यावाचक में जहाँ पर संख्या बताई जाएगी, अब यहाँ पर संख्या में भी दो चीज़ें हैं, एक होती है निश्चित संख्या और एक होती है अनिश्चित संख्या। जैसे इस घर में 15 लोग हैं, उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है, दंगों में बहुत लोग मारे गए। अब इन 4 उदाहरणों में एक उदाहरण ऐसा भी है जहाँ पर फिक्स नहीं है, बहुत लोग की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या, कौन सी संज्ञा बेसिकली प्रयोग होती है संख्यावाचक में? जातिवाचक संज्ञा। हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ प्रयोग हो रही है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो रही है परिमाणवाचक में प्रयोग। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, केवी का कोई भरोसा नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन उठा दे। ठीक है, संख्यावाचक में देखेंगे जहाँ पर यहाँ पर विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना हमें मिलती है, जैसे पहला लड़का, 3 किताबें, 40 साल। ठीक है, पूर्ण संख्या बोधक जिसमें केवल पूरी पूरी संख्या होती है, और अपूर्ण संख्या बोधक यानी कि गणना बोधक में आधी अधूरी चीज़ होती है, जैसे 1.5, 1.5, 2.5, ये सब चीज़ क्या है? अपूर्ण संख्या बोधक है। अब यहाँ पर ही इनके कई सारे भेद दिए हुए हैं निश्चित वाचक सर्वनाम के। क्रमवाचक, क्रम में कभी कभी चीज़ें कैसी होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारी चीज़ें कैसी है? क्रम की सूचना बताने वाले विशेषण हैं। फिर है आवृत्ति वाचक विशेषण। आवृत्ति में कैसे बोलते हैं? इकहरा, दोहरा, तिगुना, चौगुना, पांचगुना। जैसे इकहरा बदन, दोहरी परत, तिगुना रुपया, उनके पास तो तिगुना रुपया है। तो अगर आपसे विशेषण पूछ दिया जाए, अगर बहुत डीपली पूछेगा तब तो आवृत्ति वाचक विशेषण दे सकता है, अदरवाइज आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये किसका उदाहरण है, संख्यावाचक का है, निश्चित संख्यावाचक का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात आती है समुदाय वाचक की और समुच्चय बोधक की। तो समुदाय वाचक में आप सभी समझ ही गए होंगे, समुदाय संख्या का जहाँ पर बोध होगा, तीनों, चारों, दोनों, ये चीज़ें भी कई बार हम भूल जाते हैं विद्यार्थियों, वहाँ जाकर हमें पहला, दूसरा, चौथा जो है समुदाय वाचक लगने लगता है, तीनों, चारों, 3, 4, 5, ये जो चीज़ें हैं हमें क्रम वाली लगने लगती है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद कर लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए चाहे तो। ठीक है, तो समुदाय वाचक में क्या होगा? सामूहिक संख्या होगी, जैसे तीनों, चारों, दोनों। समुच्चय वाचक विशेषण में क्या होंगे? दर्जनों में चीज़ होगी, एक तरीके से हम जातिवाचक का उदाहरण यहाँ कह सकते हैं, जैसे 12 दर्जन, 2 जोड़ा, सतसई, सतसई में कितने दोहे होते हैं? 700, जो बिहारी ने लिखे हैं, 32 में 32, शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो ये किस में आते हैं? समुच्चय वाचक विशेषण में आते हैं। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, समुच्चय वाचक और समुदाय वाचक में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार। और प्रत्येक बोधन विशेषण में प्रत्येक वस्तु का जहाँ पर बोध कराया जाएगा, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का। अब आती है अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें अनिश्चितता बनी रहेगी, जैसे कई, कुछ, कई आदि।
अब बात आती है कि परिमाणवाचक और संख्यावाचक में फिर क्या अंतर है, क्योंकि परिमाणवाचक में भी बात यही आ रही है कि वहाँ पर भी निश्चित और अनिश्चित है और संख्यावाचक में भी निश्चित और अनिश्चित है। तो देखिए इनमें क्या क्या अंतर है। विशेष्य यानी गिनी जाने वाली वस्तुएं तो विशेषण संख्यावाचक होंगी, जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वो तो आ जाएंगी संख्यावाचक विशेषण, और जिनको हम गिन नहीं सकते वो कहलाएंगी परिमाणवाचक वस्तुएँ। अब जैसे कुछ लोग दिल्ली से आए तो लोगों को गिना जा सकता है, इसलिए हमने इसको संज्ञा के टॉपिक में भी पढ़ा था कि इसको हम प्राणीवाचक के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मेला देखने गए, ये भी किस में आएगा, संख्यावाचक में आएगा, लोगों को भी गिना जा सकता है, लगभग एक अंदाजा लग जाता है। सब्जी में कुछ नमक डाल दीजिए, अब इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कुछ शब्द दिया गया है। बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी बह गई, कितनी बह गई, कितनी थी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए किस में आ गया, परिमाणवाचक में आ गया। आई थिंक आप ये टॉपिक क्लियर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। तो सार्वनामिक हमने पीछे भी पढ़ लिया है, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए कोई विशेषण के रूप में जब कोई चीज़ प्रयोग की जाती है वो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की, उनके भी गुणों की विशेषता बताएगा, ये ध्यान रखिएगा, तो वो क्या कहलाएगा। जैसे मेरी किताब, आपका बेटा, किसी का मकान, कौन सी कमीज, कोई, इस तरीके से, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषणों के भी भेद हैं, जैसे सबसे पहला संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक को ही निश्चयवाचक भी बोला गया, यह, वह, इस, उस, जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, तो वह अपने आप में ही सर्वनाम की विशेषता भी बता रहा है, उस घर में कौन रहता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आ जाएगा, प्रश्नवाचक में प्रश्न आएंगे, कौन सा मकान आपको पसंद आया, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वो, संबंधवाचक में संबंध बताया जाएगा, जैसे उनकी साड़ी बहुत सुंदर है, मेरा घर, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है, ये संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से KVS हमेशा प्रश्न पूछता है, जब आप 10th 12th को पढ़ाओगे, 12th में तो इस तरीके की व्याकरण नहीं आती, बट 9th 10th तक जरूर आती है। उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, लेकिन विद्यार्थियों भले ये 12th में टॉपिक ना है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा आता है, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको छोड़ नहीं सकते। अब वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे वाक्य में, वाक्य के दो अंग होते हैं, मैं बोलूँ तो वाक्य में दो अंग हो गया, एक होगा उद्देश्य और एक होगा विधेय। अब यहाँ पर बात हो रही है एक उद्देश्य विशेषण की और विधेय विशेषण की, यानी कि इनके साथ विशेषता जुड़ी हुई होगी। तो विशेष्य के पहले लगने वाले ये विशेषण, जैसे काला, सफ़ेद, अच्छा, बुरा, ये सब उद्देश्य विशेषण होंगे, और विशेष्य के बाद जो लगेंगे उनको क्या बोला जाएगा, विधेय विशेषण। सबसे पहले तो आप उद्देश्य समझिए और विधेय समझिए। जैसे यहाँ पे बोला है आपकी साड़ी सुंदर है, तो आपकी साड़ी उद्देश्य है और उसके बाद लगा है सुंदर, वो उसका विशेषण हो गया, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया, ठीक है। बेईमान, वह बहुत बेईमान है, ठीक है, गुलाब नीला है। अब यहाँ पे सुंदर, बेईमान, नीला विशेषणों का प्रयोग विशेष्य के पहले न होकर किसके बाद हुआ है, वाक्य के विधेय के स्थान पर हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि उद्देश्य के बाद इनकी विशेषता बताई गई है, यानी कि मेन व्यक्ति के बाद, कर्ता के बाद जिसकी विशेषता बताई गई है वो क्या कहलाएगा, विधेय विशेषण कहलाएगा। ये मैं आपको रचना के आधार पर जब वाक्य भेद करवाऊंगी ना विद्यार्थियों, तब आपको उद्देश्य और विशेषण विधेय के पहले उदाहरण बताऊंगी, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे काला घोड़ा, अब यहाँ पर काला यानी कि विशेषणा विशेषण पहले लगाया जा रहा है संज्ञा से पहले, जब संज्ञा से पहले विशेषण लगेगा तब उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, जब संज्ञा के बाद विशेषण लगेगा तब क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य, जैसे काली घोड़ी तो उद्देश्य विशेषण हो गया, घोड़ी काली है, क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। अब विशेषणों की अवस्थाएं, विशेषणों की बेसिकली तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तम उत्तर अवस्था और क्या होती है, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में हम क्या करते हैं, मूल अवस्था में किसी की भी किसी से तुलना नहीं होती, केवल उस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जैसे दूध बहुत मीठा है, ये फिल्म बहुत अच्छी है, किसी से किसी की कोई तुलना नहीं हो रही। उत्तर अवस्था में क्या होते हैं, हम इसको इंग्लिश में डिग्री भी कहते हैं विद्यार्थियों,
आपने बहुत सारी डिग्री बचपन में याद की होगी, वही डिग्री है यहाँ पे चीजें प्रयोग की हुई। उत्तर अवस्था में क्या होती है, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तब होती है। जैसे यह मकान उस मकान से छोटा है, भारतीय पहलवान चीनी पहलवान से ताकतवर है, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है और दूसरे को अच्छा बताया जा रहा है। इनमें क्या शब्द प्रयोग होते हैं, से अधिक, से बढ़कर, से घटकर की अपेक्षा, ठीक है। उत्तम अवस्था में क्या होता है, जब बहुत से लोगों के बीच तुलना करते हुए यह देखा जाता है कि सबसे अधिक विशेषता किस व्यक्ति या वस्तु में, उसी को हम कहते हैं उत्तम अवस्था। इसमें सबसे अधिक होता है, सभी से होता है, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे मोहन सभी लड़कों से अधिक ताकतवर हैं, तो सबसे ज़्यादा विशेषता किसकी। अब देखेंगे मूल अवस्था है जैसे सुंदर, इसकी उत्तर अवस्था क्या बनेगी, सुंदरतर। उत्तम अवस्था क्या बनेगी, सुंदरतम। ऐसे ही निकटतर, निकटतम, निकटतम, ये चीज़ देख लेंगे। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इस बार के केवीएस ने शामिल भी किया है, पर विशेषण। आप जो है इत्मीनान से तैयारी कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि यदि ग्रामर पूरी करनी है तो थोड़ा वीडियो को टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो उसको ज़रूर कर दें। चलिए पर विशेषण समझ लेते हैं हम लोग। आपका बेटा बहुत होशियार है, वह लगभग 50 लोग आए थे, वह तो बड़ा परिश्रमी है। यहाँ पर देखो कुछ शब्द रंगीन किए गए हैं, तो होशियार, 50, परिश्रमी, विशेषण, जो कर्मशः बच्चा, लोग और व्यक्ति, लोग व्यक्ति और व्यक्ति संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन इन तीनों ही वाक्यों में इन विशेषण के पहले भी कर्मशः क्या लगा है, बहुत लगा है, लगभग लगा है और बड़ा लगा है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, पर विशेषण कहलाते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। जैसे वह बहुत बेईमान है, उसे कच्चा खट्टा आम बहुत पसंद है, तो बेईमान अपने आप में एक विशेषण है, और बहुत लग गया तो क्या हो गया, पर विशेषण हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम। कुछ लोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर नहीं करते, वस्तुतः दोनों रूप रचना के स्तर पर समान होते, केवल वाक्यों में प्रयोग के स्तर पर दोनों में अंतर हो जाता है। सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि ये शब्द संज्ञा, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और वही प्रक्रिया करते हैं जो संज्ञा कर रही होती है। जैसे मोहन ईमानदार लड़का है, वह कभी झूठ नहीं बोलता, उसका पिताजी अध्यापक हैं। लेकिन जब सर्वनाम किसी संज्ञा विशेष्य के साथ लगकर उस संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे किसकी किताब चोरी हुई है, इस तरीके से। अब विशेषणों को संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न विद्यार्थियों रहता है कि विशेषणों का संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होता है। कई बार विशेषण अपने विशेष्य के बिना भी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु मातृभाषा व्यक्ति ये जानता, उस स्थान पर वाक्य की मूल आधारभूत संरचना में विशेषण मौजूद हैं, केवल अभिव्यक्ति के स्तर पर उसका लोप हुआ। जैसे ईमानदारों की कोई कमी नहीं है, बेईमानों से बचकर रहिए, गरीबों पर जुल्म ना करें, ठीक है। वस्तुतः इन वाक्यों की मूल संरचना कहाँ से हुई है, ईमानदार लोगों की तरफ से हुई है, ठीक है। चलो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से विद्यार्थियों कैसे पूछा जाता है, मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण भी बताती हूँ, जो कि केवीएस के द्वारा पहले भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर इधर साइड में एक साइड संज्ञा दी है और एक साइड उसका विशेषण दिया। जैसे उपासना का विशेषण क्या दिया है, उपासक दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्षत्रिय का क्या दिया है, छात्र दिया हुआ है। छंद का क्या दिया है, छंदों में दिया है। ये चतुरता जो है ना, केंद्रीय विद्यालय में पहले पूछा गया कि चतुरता क्या है, संज्ञा है, और चतुर क्या है, उसका विशेषण है। तो थोड़ा आप दिमाग लगा के इसको कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी गलत हो जाते हैं। नवोदय 2013 में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। पिता जो है संज्ञा है, और पैतृक क्या है, उसका विशेषण है। प्रांत क्या है, संज्ञा है, और प्रांतीय क्या है, विशेषण है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। मिठास और मीठा भी पूछा गया कि मिठास एक संज्ञा शब्द है, और ये एनसीईआरटी वसंत भाग की, जब आप भाषा की बात, मैंने आपको वीडियो उपलब्ध करवाई हुई है कि कैसे आपको भाषा की बात करनी है, मिठास शब्द का कई बार यहाँ पर पूछा गया है कि मिठास से आप किस प्रकार से विशेषण बनाएंगे या कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो मिठास संज्ञा है, और मीठा क्या है, उसका विशेषण दिया गया है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब सर्वनामों से भी कुछ विशेषण बनते हैं। जैसे यह सर्वनाम है, इसका विशेषण क्या होगा, ऐसा होगा। जो का क्या होगा, जैसा होगा। मैं का क्या होगा, मुझसा होगा। आपका क्या होगा, आपसा या आपसी होगा। कौन का, कैसा या तैसा। तुम का, तुमसा होगा। अब क्रियाओं से भी बनते हैं। जैसे उड़ाना का क्या बनेगा, उड़ाऊ बन जाएगा। भूलना का, भुलक्कड़ बन जाएगा। ऐसे ही अव्यय से भी, ऊपर का ऊपरी, पीछे का पिछला। ध्यान रखिएगा पिछला जो है, सॉरी पिछला विशेषण है। आगे का अगला, नीचे का निचला, ये शब्द आप याद रखिएगा।
चलिए अब इसको ओवरऑल रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कहते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। विशेषण की तुलनात्मक रूप से तीन अवस्थाएं हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परविशेषण कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ लगकर उसकी क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, अनेक विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग प्रत्यादि जोड़कर बनाए जाते हैं। कभी कभी विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में भी होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, जब तक प्रश्न हल नहीं कर लेते तब तक अपना पढ़ने का कोई उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। चलिए अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? विशेषण है, समझ ही जाओगे। सही युग्म हमें छांटना है, तो देखेंगे काले टोपी अपने आप में शब्द ही गलत है, सुनहरी पत्तियां होना चाहिए था। उड़ता चिड़िया नहीं होता, उड़ती चिड़िया होता है, दुबला पतला लड़का, तो सही हो गया सी आंसर। कौन सा विशेषण है? देखेंगे प्रपंच, सरपंच, पहुंच या पांचवा। देखेंगे मैंने आपको बताया था पांचवा, ये किसका है? कर्म सूचक का है। हमने पढ़ा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से हमने आपको ध्यान होगा क्रम सूचक का। एक हमने आवृत्ति सूचक विशेषण भी पढ़े थे, जिसमें आवृत्ति सूचक में हमने इकहरा, छरहरा, इस तरीके के शब्दों को हमने पढ़ा था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये पहले एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा समुदाय वाचक है? ये देखिए मैंने आपको बताया था, एक समुदाय वाचक बताया था, एक समुच्चय वाचक बताया था। तो इसमें चारों जो शब्द हैं जहाँ पर समुदाय की बात आती है एक साथ की, वहाँ हो जाएगा समुदाय वाचक विशेषण। और यहाँ पर देखो दिया भी हुआ है, गुणवाचक विशेषण में एक दो तीन, क्रमवाचक में पहला दूसरा तीसरा, सॉरी गणनावाचक बोल रही, गुणवाचक नहीं, गणनावाचक एक दो तीन, जिनको हम गणना कर सकते हैं यानी। और क्रम सूचक में पहला दूसरा तीसरा, आवृत्ति सूचक में दुगुना तिगुना चौगुना, समुदाय में तीनों, दोनों तीनों चारों, और प्रत्येक बोधक में प्रत्येक बोधक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, एनसीईआरटी में तो और भी अच्छे से इसने क्लियर करके दिया हुआ है, अगर आप पीछे थोड़ा बैक में जाएंगे आप देख लेंगे। विद्यार्थियों जब पढ़ते हो तो पूरा मन लगाकर पढ़ा करो, ये सोच के कि इस बार तो आपको सिलेक्शन लेना ही है, उस समय समय का ध्यान आप मत रखा करो। देखिए यहाँ पर क्रम सूचक में एनसीईआरटी ने इन चीज़ों को माना है और आपको भी एनसीईआरटी को मानना है। वो जो क्वेश्चन मैंने उठाया वो थोड़ा यूपी के हैं। क्रम सूचक में पहला दूसरा तीसरा चौथा है, इसी को उन्होंने गणना सूचक विशेषण भी बोला है। आवृत्ति सूचक में क्या है दिया है विद्यार्थियों? इकहरा, दोहरा, तिगुना, चौगुना। समुदाय सूचक में तीनों, चारों, दोनों। समुच्चय बोधक में दर्जन, जोड़ा, सतसई। प्रत्येक में प्रत्येक व्यक्ति, हर लड़का। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। इन्होंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में दिया है तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रख लेंगे। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का है, ये तो आपको आना चाहिए। अभी बताया मैंने पहला दूसरा तीसरा, ये सब किस में आते हैं? क्रम सूचक में आते हैं। सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित वाचक विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो पूछ ही दिया है, उत्साहित। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में एक विशेषण, एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, माँ ने कहा और रोटी लो, बच्चों ने खाना खाया। तो यहाँ पे सी क्या है? एक क्रिया है। संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? देखो यहाँ पर ऐसे प्रश्न रहते हैं और ऐसे ही प्रश्न केवी में भी रहते हैं, नवोदय में पूछा हुआ है। विष विषैला, ये तो ठीक है बिल्कुल, विष क्या है? संज्ञा है। पिता पैतृक, ये देखो पूछा, मैंने बताया ही था। प्रांत प्रांतिक भी ठीक है, तो आदि आदिम क्या है यहाँ पे? गलत है। ठीक है भाई आगे बढ़ेंगे। कौन सा परिमाण बोधक शब्द है? परिमाण बोधक, भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, कम आमदनी। कम आमदनी कैसा है? यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो विशेषण क्या है? अर्थ का हमने पढ़ा था आर्थिक, ये शब्द क्या है? विशेषण, बाकी सभी संज्ञाएं हैं। चलिए कौन वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? लड़के रोते रोते घर पहुंचा। चलिए ये हमारे अभी तो उसके प्रश्न आ गए हैं, अभी मैंने आपको ये वाले प्रश्न नहीं करवाए हैं क्रिया विशेषण वाले, तो इसलिए इनको हम आगे नहीं पढ़ेंगे अभी। ठीक है विद्यार्थियों, आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें।
फटाफट से, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक आपको उपलब्ध करवाऊंगी एनसीईआरटी से, कोशिश करूंगी उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी लेकर आऊं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, कोशिश ये करूंगी आरओ भाग एक के भी मैं आपको प्रश्न उत्तर उपलब्ध करवा दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं जितना मेहनत कर रही हूँ आप मेरे से डबल मेहनत कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एक भी दिन अपना वेस्ट ना करें आप। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में, कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।